शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमनो कारगलि रूपाय कृतंचाय नमो नमः। नीलांजनम शमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनिश्चर। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे देवादिदेव शनिदेव, मेरी राष्ट्र की रक्षा करो, मेरा राष्ट्र प्रगति करे, मेरे राष्ट्र में सुख और शांति रहे और मैं सदमार्ग पे चलूं, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। शनिवार का दिन है, 20 अगस्त है, और शनिवार का दिन कैसे शुभ बीते, और शनिवार रहता ही सदा दिवाली। संत करो 300 दिन त्योहार, और थावर कीजिए थापना, और बुद्ध कीजिए व्यवहार। जो संतों की संगत में रहता है उसका हमेशा सब कुछ अच्छा रहता है, और शनिवार को तो बहुत अच्छा माना जाता है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी यदि आपको कार्य सफलता नहीं मिल रही हो, शनिवार का दिन है। काले सुन में कुछ सात डली, काले सुन में की सात साबुन डली, अपने ऊपर से सात बार उसार कर कहीं वीराने में जमा देना, संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगी। 12 के 12 राशियों के लिए टोटका है, शनिवार का दिन है। और तन तथा के व्यापारी ने देवादिदेव शनिदेव के नाम से बहुत भयभीत किया है, एक हवा मचा रखा है। राष्ट्रवासियों, इस पवित्र संदेश को लेकर आपके सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विधाता है। शनि कर्म के संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है। शनि शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, और इस राष्ट्र प्रेम करो, और घर में तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय का जाप करो, हर पल हर क्षण खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं शनिवार के पंचांग। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2068, भाद्रपद मास की 4 प्रविष्टि, सन 1933, श्रावण 29, तद अनुसार शनिवार 20 अगस्त सन 2011, प्रातःकाल नक्षत्र आश्वनी नक्षत्र और चंद्रमा मेष राशि में, और शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे। और बात करते हैं आज की यात्रा की। आज जहां आप हैं वहां से उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करना कारोबार की दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना, ईशान कोण में जाना ठीक नहीं, लेकिन पूर्व दिशा की ओर कारोबार की दृष्टिकोण से यात्रा करना ठीक रहेगा। जहां आप रहते हैं वहां से शनिवार का दिन है, अदरक चबाते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा नमोना। और बात करते हैं प्रातकालीन लग्न की। प्रातकालीन लग्न सिंह लग्न, लग्न में सूर्य और शुक्र, मंगल मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, शनि कन्या राशि में, और केतु वृषभ राशि में, राहु वृश्चिक राशि में, यह ग्रहों का भ्रमण काल। अरे भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। नवरात्र मेष राशि, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, भाग्य साथ देगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय विस्तार होगा, धन कोष में बढ़ोतरी होगी, और यात्राओं में लाभ और घर परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। नमन क्या ना करें, दूसरों के बहकाव में आकर परिवार वालों से लड़ाई ना करें, क्या करें कार्य क्षेत्र में परिश्रम लें। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, इस वक्त पूंजी निवेश करना हानिकारक रहेगा। आज के दिन जमीन जायदाद या किसी भी कार्य में पूंजी का निवेश करना ठीक नहीं, कार्यगति में रुकावट है, कर्मचारी और अपनों का असहयोग नजर आ रहा है, और आज भोग विलास की रुचि बढ़ेगी और खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान और छोटा सा उपाय, और ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। श्वेत वस्त्र में 8 गुलाब के पुष्प बांधकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दो। क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में फिर बदलना करें, क्या करें अपनी बात रखने का अवसर है, इसलिए बात जरूर रखें। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ, मनोकामना पूरी होगी। सितारों का शुभ संकेत, इसका मतलब मनोकामना पूरी, जो आपने सोचा वो पूरा हो जाए, और कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आज बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, नयन वस्त्र आभूषण और सुख की साधना में बढ़ोतरी होगी। क्या ना करें, सहकर्मियों से बात ना बिगाड़े, क्या करें अपनी कार्य योजना को आज गुप्त रखें, अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, व्यावसायिक उन्नति के अवसर मिलेंगे और जमीन जायदाद के मसले सुलझेंगे, सरकारी कर्मचारियों को आज प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान और यश की प्राप्ति, अपनों का पूर्ण सहयोग और प्यार भी मिलेगा, माँ बाप का, परिवार का, साथियों का। क्या ना करें, कागजी कार्रवाई नहीं करें, और कागजी कार्रवाई में आंख बंद कर साइन नहीं करें,
शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा अग्रसर है, आज ये जरूर करें। नंबर वन, और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि जिस तरह के घर योगा योग है, संतान संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुकवे कार्य पूरा करने का अवसर मिलेगा और शुभ कार्य की योजना सफल होगी। आज वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, क्या ना करें, कानूनी झमेले से दूर रहे। क्या करें, कारोबार में नए सौदे आ रहे, सोच समझ कर सौदों को साइन कर दीजिए, लाभ मिल जाएगा। नमन और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है, संकेत ये दे रहे कि वाद विवाद से दूर रहिए ना, कानूनी मसलों से बहुत सकोच दूर रहिए। आज के दिन आज किसी स्त्री पक्ष का विरोध झेलना पड़ सकता है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आज चोट लग सकती वाहन से, इसलिए नशा आदि करके वाहन न चलाए। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें और नहीं अपने कार्य में किसी को हस्तक्षेप करने दें। हाँ, एक बात जरूर करें, स्वजनों की सलाह पर विचार जरूर करें। नमन और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि समय अनुकूल सितारों को शुभ संग, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और घर में हर्षोल्लास का वातावरण होगा, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा और घर और परिवार का पूर्ण सहयोग और धन लाभ होगा। आज नौकरी में उन्नति का अवसर, क्या ना करें, किसी से ज्यादा मदद की उम्मीद ना करें। क्या करें, तो जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करें, लाभ मिलेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वर्षिक राशि वालों पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और शुभ कार्य की योजना सफल होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। है आप राजनीति में तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा और है आप व्यापार में तो आपको धन लाभ बढ़ेगा, माता का पूर्ण आशीर्वाद सास बढ़ेगा। क्या ना करें, वे लोग जो जिम्मेदार लोग नहीं है, जो गैर जिम्मेदार लोग, उनसे दोस्ती ना करें। क्या करें, तो अधूरे कार्य पूरा करने का प्रयास करें। नमन आ रहे।